हेलो गाइस, मैं लक्ष्मी। आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ एक बैड न्यूज़, एक गुड न्यूज़। देखिए दोस्तों, मेरा घर ये कैसे टूट चुका है। देखिए पूरा एकदम टूट चुका है, रहने में दिक्कत हो रही है। बारिश आती है ना तो पूरा पानी चूने लगता है, पानी घर में आ जाता है, जैसे सामान भीग जाता है, रहने खाने सोने पीने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि अब बारिश होने से पहले, बरसात आने से पहले मैं इसको फिर से ढलाई छत बना दूं, इसे ढलाई कर दूं। ये जो खपरेल वाला है ना, इसको हटा के मैं छत वाला बनाऊंगी। इसलिए मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। ये घर टूट जाएगा ना तो ये छत्ता बनाऊंगी, तब तक खाना मैं कहाँ बनाऊंगी। इसलिए मैं जा रही हूँ चूल्हा बनाने के लिए बाहर में। आप लोग को दिखाते हैं मैं अपना चूल्हा कैसे बनाऊँगी, ये देखने के लिए मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए दोस्तों, मैं मिट्टी शाम को लाके और इसमें पानी रात में ही दे दिए थे। ये मिट्टी पूरा एकदम से फूल चुका है, अब इसको भीग चुका है। अब इसको इस तरह गोल गोल जैसे करके रखी हूँ, वैसे सब गोल गोल करेंगे, उसके बाद चूल्हा बनाने स्टार्ट करेंगे। पहले चूल्हा बनाई थी जो कि बारिश में भींग गया, ऐसे हो गया। इसमें कभी कभी खाना बनाती थी मैं हवा में बाहर में। देखिए इसको तोड़ के हटाना है हमको और नया चूल्हा इसी जगह पे बनाना है। ईटा और मिट्टी मिला के मैं बनाई थी इसको, इस बार पूरा मिट्टी से बनेगा। अब इसको यहाँ हम साफ करके और वो वाला चूल्हा बनाएंगे। देखिए मेरा चूल्हा बनने के लिए तैयार हो चुका है, शुरू हो चुका है। अब लगभग बन चुका है ये। एक साथ दो चूल्हे, एक में दाल बनाऊंगी, एक में चावल। इधर कढ़ाई चढ़ेगा ना, इधर कढ़ाई चढ़ाएंगे इसलिए थोड़ा सा शकरा रखे हैं, और उधर चावल बनाएंगे इसलिए थोड़ा सा ये ज़्यादा ओपन है। और देखिए बीच में रोकने के लिए मैं इसको नीचे से पत्थर दे दी हूँ, ताकि ये मिट्टी अभी गीला है ना, ना बैठ जाए इसके लिए। और यहाँ ये रखे हैं चूल्हा का द्वार, इधर से लकड़ी डालेंगे। देखिए अब इसको धीरे धीरे पानी लेके हाथ में, गोबड़ खाबड़ है ना उसको मिला देते हैं। और ये दे दिए हैं उचकुन का काम करेगा, इसमें हंडिया देंगे तो सट जाएगा तो धुआं किधर से निकलेगा। इसके लिए ये दे दिए थोड़ा ऊंचा ऊंचा, ताकि यहाँ से लकड़ी लगाएं तो इधर से धुआं निकल जाए। इस चूल्हे को बनाने के बाद दिन भर ये इसको धूप में सूखने दिए, दिन भर इसमें हवा लगा, सूखा। उसके बाद इसमें देखिए ऊपर से हम माटी लेप रहे हैं चिकन करने के लिए, फ्रेश प्लेन। इधर उधर खुदरा खुदरा है ना, उसको मिला दे रही हूँ। इसी तरीके से पूरे चूल्हा में अंदर बाहर सब जगह प्लेन कर देंगे। उसके बाद इसको गोबर से लीपेंगे ये सूखने के बाद।